गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है 24 सितंबर और डे है संडे। तो संडे का दिन है तो मॉर्निंग थोड़ी लेट ही हुई है। तो उठ गया मैं, फ्रेश हो गया, नहा रेडी हो गया हूँ, नहाया तो नहीं हूँ अभी। अभी जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा हेयर वेयर थोड़ा सेट करा लूँ और कुछ ब्रेकफास्ट कर लूँ, इडली वगैरह कुछ खा लूँ, आज संडे है। तो अभी वहीं बस निकलने के जाने के लिए निकल रहा था। आज बहुत तेज़ धूप है, कल इतना बारिश बारिश वाला मौसम था दो दिन से, और इतना अचानक से तेज़ धूप है। और इस चक्कर में थोड़ा सा ना गला बैठा बैठा लग रहा है मेरा, तो बारिश बारिश के चक्कर में। तो अभी चलते हैं, फिलहाल नाश्ता वाश्ता कर लेता हूँ कुछ, और आपको ही लेके चलता हूँ मेरे साथ। और यहाँ पर बैठा हुआ था थोड़ा देर कि थोड़ा सा ले लूँ धूप, लेकिन गर्मी बहुत तेज़ है तो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाऊँगा ऐसा मुझे लगा। वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आज की जर्नी कैसी रहेगी। और आज संडे, अभी तो कुछ प्लान तो है नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ प्लान बन जाए। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे सफ़र में। तो दोस्तों, अभी का सीन क्या वो बताता हूँ। अभी मैं निकला था नाश्ता करने के लिए, नाश्ता कर लिया, फिर गया मैं सैलून, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब 10-12 लोग बैठे थे। मैं बोला आज तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, और नहाया भी नहीं था तो एकदम, आज बताया था तेज़ धूप है, देख रहे तो तेज़ धूप, तो ज़्यादा देर तक बिना नहाया रह नहीं सकता था। तो मैं फटाफट से आ गया वापस रूम, नहीं रूम आने से पहले मैं गया बाइक के लिए। और बाइक से आया, कल वाला क्या हुआ, कल फिर मेरी बाइक में मतलब अभी भी इंजन बन के आया है, लेकिन थोड़ा सा और दिक्कत कर रहा था उसका, जो मतलब पावर सप्लाई था वो कट जा रहा था बार बार। तो उस चक्कर में फिर से मेरे को बाइक छोड़ना पड़ा कल शाम को। तो जो आप देखे थे अपन सुमित गए थे, वो दूसरा बाइक था, जो भैया का बाइक था, थोड़ा सा और ही कंडीशन ख़राब है उसकी। तो उसमें गए थे हम लोग सुमित, और भैया के पास छोड़ दिए थे वो बाइक को। तो अभी वहाँ गया मैं, वहाँ लेके आया बाइक, वहाँ 10 मिनट बैठा था, कुछ कुछ और देख रहे थे, जितना भी है सब चीज़ एक साथ क्लियर कर दो। बोला मैं भैया को कि दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो उन्होंने फिर एक बार पूरा चेक किया प्रॉपर। और अब मेरी गाड़ी फाइनली बोल सकता हूँ कि पूरी तरीके से ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए ऐसा उम्मीद करता हूँ भगवान जी से। और बस फिर वही था, तो अभी आया हूँ रूम में थे और बैठा हूँ थोड़ा देर, फिर फटाफट से नहा धो के रेडी होते हैं। और आज का क्या सीन है देखते हैं आगे, भैया कॉल करता हूँ फिर अपडेट करता हूँ आपको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, फिर से दोबारा गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं आया था फिर बहुत देर सो गया था, अभी भैया जस्ट कॉल किए तो मैं उठा। और एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, मैं जब सपना देख रहा था तो भैया कॉल आया उससे 2 मिनट पहले कि भैया आए हैं रूम में और उठा रहे हैं मेरे को, सोए हूँ तो परेशान कर करके उठा रहे हैं भूल के, तो मैं नहीं उठ रहा हूँ है ना। और जस्ट फिर उनका फ़ोन बज गया, तो कई बार मेरा सिक्स सेंस मेरा बहुत साथ देता है, पहले सब चीज़ें पता चल जाती हैं मुझे कि कौन क्या होने वाला, कुछ होने वाला है। मैं स्पाइडरमैन तो नहीं हूँ, निकल नहीं रहा कुछ, शायद दूसरे तरीके से निकले। तो ऐसा सीन था, अभी जस्ट फिर उठाया मेरे को, फ़ोन किए बोले फटाफट से रेडी हो, तो मैं नहाया नहीं था, ऐसे सो गया था, संडे था, बहुत आलस आलस लग रहा है, मौसम बार बार चेंज हो रहा है, उसके कारण तबीयत थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है मुझे, तो उसी कारण थोड़ा सा हरारत है, फिर भी ठीक है। तो बता रहा था क्या बता था, हाँ तो भैया फ़ोन किए बोले रेडी हो फटाफट से। मैं बनाया हूँ आज हलवा घर में, तो लालच आ गया मुझे, तो वही जा रहा हूँ हलवा टेस्ट करने। हलवा टेस्ट करने के बाद सोचते हैं कि आस पास कहीं चल सकते हैं, सब बोले फिर मैं अच्छे से ही रेडी हो गया। फिर ये कार, तो फटाफट पहुँचता हूँ उनके रूम और इन्जॉय करते हैं हमारा हलवा, फिर आके बताता हूँ कि क्या अपडेट है, कहीं जा रहे हैं या मेरे को फालतू में रेडी करा लीजिए। तो दोस्तों, थोड़ा स्लीपी हेड दिख रहा हूँ मैं, क्योंकि सो उठ के आया हूँ, लेकिन आपको जहाँ आया हूँ वो जगह बहुत बेहतरीन है। हम लोग मैं और भैया निकल गए थे ऐसे ही घूमने के लिए, और अपन आए थे डैम तरफ, थोड़ा सा जाए से बोल के, तो आ गए हैं डैम तरफ, मेरा फेस एकदम स्लीपी स्लीपी दिख रहा है, तो मैं आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर ये जगह आपको जानी पहचानी लग रही हो, तो अगर आप गैस कर पाए तो ये है पांडवान, जहाँ पर वन वापस से आ चुके हैं मैं और भैया। और हम लोग को लगा कहाँ जाए, संडे का दिन है और रुके हुए थे भैया बहुत टाइम बाद, तो इस चक्कर में मतलब इस कारण से अपन आ गए यहाँ पर सुकून के ढूंढते ढूंढते। और इस पहले गए थे हम लोग जहाँ डैम जगह थे वहाँ पर, वो जगह आपको एक्सप्लोर करा ही दिया हूँ, लेकिन वहाँ की सुंदरता एक बार और आपको दिखा दूँ, इस नाम से आपको दिखा दिया था। और अभी हमारे महादेव जी के सामने खड़े हम लोग आशीर्वाद लेने आए थे, साथ में यहाँ पर अपन ये सोच कर और आए थे, आज संडे के दिन है टाइम हमारे पास, तो काश मोर दिख जाए। और कहीं आ रहा है क्या मोर का आवाज़? मोर तो नहीं, कौवे का आवाज़ आ रहा है। आज कौवा ढूंढने चले गया। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर का, कुछ शॉट्स आपको दिखाता हूँ, फिर थोड़ा देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे अपन, फिर चलेंगे यहाँ से। दोस्तों, हो चुकी है रात और हम लोग आ गए रूम, और भैया प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे लिए सलाद डिनर के लिए, साथ में हम लोग सूप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सूप मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और सलाद काटने का जिम्मेदारी दिया गया भैया को। अच्छे से काटो, अच्छे से छिलो। थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है। ठीक, दोनों को थोड़ा सा धोखे देंगे। बिल्कुल,